अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और सारी रूटीन्स जो हमारी आज की होगी वो देखते रहिएगा। सो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप लोग, ये तैयारियाँ हो रही हैं मेहमानों के लिए, जो मेहमान आज हमारे घर आ रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को अगर इन चीज़ों की रेसिपी चाहिए तो आप लोग रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। ये हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, चीज़ें देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम लोग क्या तैयार करने जा रहे हैं। तो ये हमने चिकन डाल दिया, अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है। अब चिकन डालने के बाद इसकी हम करेंगे भुनाई, और ये हमारा दूसरी तरफ दूसरा मसाला रेडी हो रहा है, इसमें भी हम चिकन डालने वाले हैं, इसके बाद ये मसाला भी रेडी हो जाएगा। साथ साथ दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो रही हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से आपको यही कहूँगी, कमेंट बॉक्स में हमें रेसिपी के लिए मैसेज कीजिएगा। सो व्यूअर्स, आज आप लोग को दिखाती हूँ अपने घर का रूफ टॉप। देखें बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम मौसम हुआ हुआ है, ये तो आपको मेरे बालों से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। ये पीछे हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ये मेरी नन्ही मुन्नी चिड़िया जो है यहाँ पर सफाई करने की तैयारी में, जबकि यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी चल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ, मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखने बहुत मज़ा आ रहा है, सारा व्यू तो आप देख ही चुके होंगे। अब आप लोगों के साथ दोबारा से हम अपने रूम की, अपने किचन की रेसिपीज, अपने किचन की जो आज की एक्टिविटीज़ हम वो शेयर करते हैं, और हम वेट करते हैं मेहमानों का। बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम के साथ देखते रहिएगा यार आइडियाज़। थैंक यू। तो आ गए हैं वापस अपने किचन में, आप लोग देख रहे हैं ये सब कुछ तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। जब तक आप लोग वेट कीजिए आगे के आने वाले मेहमानों का। बिरयानी का जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें आज हमने दे दिया है स्मोक, ये आप लोग देख रहे होंगे, अंदर तो कुछ बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा स्मोक की वजह से। जो मैक्रोनी है जो हमारी बिल्कुल बॉयल है, तैयार है, इसका बस अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, बस ये भी फाइनल होने वाला है। उसके अलावा सारी चीज़ें जो बाकी यूज़ होनी है वो तो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आप लोग देख लें। दही है, शिमला मिर्च है, धनिया, पुदीना, प्याज, सब्ज़ मिर्च है। सैलड तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, देख लें हमने कचूमर सैलड बनाई है। ये जो नशमियाँ हैं ये रेडी होकर आ गई हैं जी, मामा जी जो चीज़ें हैं वो दें हम लगाएं, लेकिन मैंने इसे बोला कि अभी बिल्कुल चीज़ें रेडी नहीं है। हाफ़ी भी बिल्कुल तैयार है यहाँ पर खड़ा हुआ है। हाफ़ी ने और नशमिया ने जो पुदीने के पत्ते हैं ना इसमें मेरी हेल्प की, इन्होंने तोड़ के मुझे दिए हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो हाफ़ी? हेलो मामा, कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कह रहे, हम आपके साथ हेल्प करा रहे। थैंक यू। और साथ में हमने कर ली है कटलेट्स फ्राई, कटलेट्स जो है बहुत ही यमी हैं, बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैक्रोनी के लिए हमने उसके ऊपर प्याज रख दिए हैं, जब उसके बाद हम दम पे रख देंगे। और बिरयानी जो है हमारी फाइनली डन होगी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान भी हमारे आ चुके हैं। मेहमानों के लिए अब हम खाना डाल रहे हैं सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि बिरयानी बिल्कुल डन हो चुकी है हमारी। खाना हमने डाइनिंग पर सर्व कर दिया है मेहमानों के लिए। अब हम खाने की तरफ चलेंगे, खाना खाएंगे, हमारे मेहमान बैठे हुए हैं सब। खाने के बाद हमारा टी टाइम होगा, और ये हमारा टी टाइम है, हम चाय बना चुके हैं, चाय तैयार है बिल्कुल। मौसम को साथ साथ एंजॉय करते रहें, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिएगा एआर आइडियाज़। थैंक यू।